हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेम रिएक्शन सीरीज पार्ट टू। तो दो रिएक्शन और मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया था, अब हम देखने वाले हैं तीसरा रिएक्शन और मैकेनिज्म, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन का मतलब यह होता है, वुड्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेम मॉलिक्यूल। जब रिएक्शन हमारा केवल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर वेरी फास्ट, ये रिएक्शन जो होता है बहुत ही तेजी से होता है, तो इसके बारे में ये याद रखेंगे बात। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन के बारे में। तो इसकी अगर लैंग्वेज की बात करेंगे, व्हेन द न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों प्रेजेंट होंगे, ये बात हम लोग याद रखेंगे। बस इतना याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों सेम मॉलिक्यूल यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल एक कंपाउंड लेते हैं कुछ इस तरीके का, एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं। इसको सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे ड्राई इथर के प्रेजेंस में। मैकेनिज्म हम लोगों ने इसका कल्पण रखा था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस बॉन्ड को तोड़ देंगे यहाँ से। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा कुछ इस तरीके का इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होगा, जो सोडियम यूज किया गया है, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरीके से, तो दो मोल अगर लेंगे तो दूसरा वाला मोल वाला भी सोडियम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक दो इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा इस तरीके से। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे बारी बारी से, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देंगे। जैसे ही ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेंगे इनके ऊपर क्या आ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ। अब इन दोनों रेडिकल को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये जो दोनों रेडिकल देख रहे हैं इन दोनों को आपस में यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो इन रेडिकल को जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। एक बॉन्ड ऑलरेडी था, एक रेडिकल के थ्रू बॉन्ड ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये पहला एग्जांपल था। अब दूसरा चेक करते हैं। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड लेते हैं, एक क्लोरीन यहां पे लगा देते हैं, एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन यहां पे लगा देते हैं। इसको सोडियम और ड्राई इथर के साथ में ट्रीट करते हैं। ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट करेंगे, अब क्या फॉर्म होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक उसी तरीके से रेडिकल बनाएंगे। तो अब इसका रेडिकल बना लेते हैं, बार बार मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको डायरेक्ट करने आना चाहिए। तो जब तुम रेडिकल बनाओगे तो कुछ इस तरीके का रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे हो जाएगा। अब इन रेडिकल को आपस में कनेक्ट करो, तो जब इन रेडिकल को कनेक्ट करोगे तो कैसे करना है जरा समझ लो।
इस रेडिकल को इसके साथ और इस रेडिकल को इसके साथ कनेक्ट करो, तो कैसे कनेक्ट होंगे? तो ये दोनों रेडिकल आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। कैसे, मैं तुमको बताता हूँ। इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसके इसके साथ कनेक्ट करो, देखो सेम प्रोडक्ट यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक ब्रोमीन है CH2Br, सोडियम के साथ में ट्रीट करेंगे, ट्राई ईथर लेंगे। तो अब क्या करना है, फिर से रेडिकल बनाओ। देखो तो रेडिकल बनाएंगे CH2CH2CH2, इन बॉन्ड को ब्रेक करके तो रेडिकल बन जाएगा। एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल इस कार्बन पे। इन दोनों रेडिकल को तुमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तीन मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, जरा देखो, CH2CH2CH2 इस तरीके से कंबाइंड हो जाएगा, जो यही है, ठीक है। थ्री मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंपाउंड गिवन है, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा देते हैं, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा देते हैं, सोडियम ड्राई ईथर। यहाँ पर देख रहे हो कि रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जा रहा है, दो मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, रेडिकल बना लो। जब रेडिकल बना लोगे तो एक रेडिकल यहाँ पे शो होगा, एक रेडिकल यहाँ पे। अब इन दोनों रेडिकल को ऐसे आपस में यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देना। जब ऐसे कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो जब ये कनेक्ट होगा तो बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरीके का। नए वाले बॉन्ड को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि तुमको क्लैरिटी रहेगा। ये नया वाला बॉन्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, एक ब्रोमीन इसपे, दो दो ब्रोमीन लगा देते हैं। तो अब तुमको दोनों ब्रोमीन नहीं निकालना है, एक एक ब्रोमीन दोनों जगह से निकालना है और रेडिकल बनाना है, ट्राई ईथर पहले ले लेते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले रेडिकल बनाते हैं। रेडिकल बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, एक ब्रोमीन यहाँ का छोड़ देंगे, केवल एक ही ब्रोमीन यूज करेंगे। अब रेडिकल जनरेट करते हैं, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, दोनों रेडिकल को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल मिथाइल दोनों लगा देंगे। देखो ब्रोमीन भी लग गया है, अब दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाना है। तो इस बॉन्ड को नए वाले से बना देते हैं, दूसरे कलर से, ये नया बॉन्ड बना। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो बेटा कि एकदम क्लैरिटी हो जाए, कोई समस्या ही ना हो। तुम देखो और प्रोडक्ट बना दो। चलो एक और कंपाउंड लेते हैं कुछ इस तरीके का। एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं और एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं, सोडियम डाइऑक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, रेडिकल बनाओ। देखो सब सेम बनेगा, बस एक रेडिकल यहाँ पे होगा, एक रेडिकल यहाँ पे। इसका मतलब दोनों रेडिकल को इस तरीके से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो दोनों रेडिकल को जब कनेक्ट करोगे तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और इसे बोलते हैं क्यूबेन। क्यूबेन क्या होता है, एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है, एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है।
एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्या बनता है, तुम लोग बताना। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन। चलो बताना जरा। कितना क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन जी मान लो कुछ इस तरीके का दिया है, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगाया है, एक ब्रोमीन यहाँ पे, और ये रिंग आपस में सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करना है, ट्रीट करना है। बताओ प्रोडक्ट क्या बने। तो पहले रेडिकल जनरेट करो इनसे। तो जब रेडिकल जनरेट करोगे तो कुछ इस तरीके का शो होगा, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, दोनों को इस तरीके से क्या करो, कनेक्ट करो। जब कनेक्ट करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिंग एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी एक रिंग रहेगा और यहाँ पर बीच में क्या होगा, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगा और चीजों को क्लियर होना जरूरी है। चल एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगाते हैं, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगाते हैं। तो इसको सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री रेडिकली ब्रेक करेंगे। तो जब तुम रेडिकल जनरेट करोगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे जनरेट होगा, एक एक रेडिकल। अब इन दोनों को ऐसे क्या करो, कनेक्ट करो। जब इनको कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इतना सारा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, अब तुम लोगों को इतना क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन देखो, उस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड यूज किया गया था और फिटिंग रिएक्शन में क्या यूज करेंगे, एरिल हैलाइड यूज करेंगे। एरिल हैलाइड यानी अगर लैंग्वेज लिखते तो एरिल हैलाइड रिएक्ट विथ या फिर ट्रीटेड विथ लिखते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। एरिल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म बाई एरिल्स नोन एज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन यानी कहने का मतलब है क्या करेंगे, एरिल हैलाइड लेंगे, सोडियम मेटल के साथ में ट्रीट करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बाई एरिल का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन, मतलब एल्काइल हैलाइड यूज नहीं करेंगे। अगर एल्काइल हैलाइड यूज करते तो वो वुड्स रिएक्शन हो जाता और ये जो रिएक्शन है एकदम वुड्स रिएक्शन के जैसा ही है। पीएच सीएच ले लो, इसको फिनाइल क्लोराइड कहते हैं या इसी को क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट कर देंगे, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा पीएच पीएच।
इसको बोलते हैं बाई फिनाइल, या इसी को डाई फिनाइल कहते हैं। और अगर यहाँ पे पीएच की जगह अगर ए आर लिखा होता, अगर यहाँ पे पीएच की जगह ए आर लिखा होता तो उसे एरिल बोल देते, बस इतना ही डिफरेंस था। उसको ऐसे लिख सकते हैं ए आर सी एल सोडियम मेटल ड्राई ईथर, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ए आर ए आर, इसको बोलते हैं बाई एरिल। सेम चीज है, कोई समस्या नहीं। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्लोरोबेंजीन के फॉर्म में, बेंजीन रिंग शो करा के सोडियम ड्राई ईथर फॉर्म हो जाएगा, दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट कर देना कुछ इस तरीके से, इसे बाई फिनाइल बोल देंगे। तो सेम है, इसमें कोई नया नहीं है, कोई अलग नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब बात करते हैं पांचवा वुड्स फिटिंग रिएक्शन के बारे, फिटिंग रिएक्शन। अब देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन कैसे बना है, ये दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। वुड्स जो फिटिंग रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन के रिएक्शन, कौन कौन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है मैं बताता हूं। पहला तो वुड्स रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, और दूसरा फिटिंग रिएक्शन। जब तुम वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन दोनों को कंबाइंड कर दोगे तो जो बनेगा वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगा। यानी अब इसको ऐसे समझेंगे, वुड्स रिएक्शन में क्या यूज किया गया था, एल्काइल हैलाइड। फिटिंग रिएक्शन में क्या यूज किया गया था, एरिल हैलाइड। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या यूज किया जाएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या यूज किया जाएगा, एल्काइल एरिल हैलाइड फॉर्म। यहां पर एल्काइल है, एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो चीजों को अप्रोच करना सीखो और उनके नाम का मतलब समझो कि कहां पे क्या यूज हो रहा है, बाकी जो होगा वो तो बनेगा ही बनेगा। देखो कितना अच्छा कनेक्टिविटी है, वुड्स रिएक्शन में हम लोग एल्काइल हैलाइड यूज किए थे सोडियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, फिटिंग रिएक्शन में एरियल हैलाइड का यूज किए थे सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और दोनों को कनेक्ट कर लिए तो जो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल एरियल हैलाइड बन जाएगा। जो एल्काइल एरियल हैलाइड यूज होगा वो किसमें यूज होगा, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में दो यूज होते हैं, एक एल्काइल हैलाइड और दूसरा एरियल हैलाइड। अब जरा इसको समझते हैं, मान लो ये देखो क्लोरोबेंजीन और ये CH3Cl है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको ट्रीट कर रहे हैं, सोडियम का यूज करेंगे। तो यहां पर तुम क्या करोगे, ये दोनों Cl हटा दो, जहां पे Cl लगा है बेंजीन रिंग के साथ में क्या लगाओ, CH3 लगा दो, इसको टोलुइन बोलते हैं, या इसी को मिथाइल बेंजीन कहते हैं। जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट CH3 जुड़ा होता है तो उसे कॉमन नेम में टोलुइन और नॉर्मल मिथाइल बेंजीन कहते हैं। अब सुनना जरा ध्यान से, इतना तो ये देखो इस वुड्स फिटिंग का ये प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है वुड्स फिटिंग का है, तो यहाँ पर वुड्स फिटिंग के अलावा भी वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। तो वुड्स रिएक्शन का अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो CH3 कितने बार कनेक्ट कर दें, दो बार, जैसे वुड्स में कनेक्ट किए थे। और फिटिंग का प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेंजीन रिंग कितने बार कनेक्ट करेंगे, दो बार, ये बन गया। तो तुम यहाँ पे वुड्स फिटिंग का प्रोडक्ट बनाओगे, लेकिन वुड्स फिटिंग के अलावा भी वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन का भी प्रोडक्ट लिख देना, इससे ज्यादा अच्छा माना जाएगा। मेन तो तुम्हारा प्रोडक्ट यही है, ये मेन प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है, लेकिन अगर इनको भी लिख दोगे तो और एक अच्छा माना जाएगा, तो लगेगा कि मतलब नहीं तुमको एक अच्छे लेवल तक का केमिस्ट्री पता है, तो अच्छे लेवल पे ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये टोटल नेम रिएक्शन हो गया, इनको अगर तुमको याद रखना है तो याद रखने का इसका ट्रिक जो होगा ये मैं बता देता हूं।
यहाँ पे Cl 2 मोल सोडियम लो, Cl CH3, और यहाँ पे इसको ऐसे इस टेक्निक से अप्रोच करो। और एक इसका भी मैं तुमको ट्रिक बता देता हूँ, इसमें तुम ऐसे करना, दो मोल सोडियम, इस तरीके से इस टेक्निक से अप्रोच करो, तुमको सब क्लियर हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में रिएक्शन नंबर 6 मैकेनिज्म के साथ में पढ़ा जाएगा, 7, 8 पढ़ा जाएगा, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि क्लैरिटी के साथ चीजें तुमको ज्यादा आसानी से समझ में आए। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि इंट्रा मॉलिक्यूलर गुड्स रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारा प्रैक्टिस किया गया, इसके बाद बताया गया कि फिटिंग रिएक्शन क्या होता है और बताया गया गुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है विथ मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म हम लोगों ने सीख रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कल अगले वीडियो में बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए मेरे तरफ से आप लोगों को थैंक यू।